तो इस बार हसल में कौन देखना चाहते हो एज अ जज? रफ्तार भाई तो होने चाहिए। प्रिंस ब्रो कर थोड़ा दीख, मुझे बताना कौन आ रहा है हिस्सा भाई कब आ जाए एज अ जज? रफ्तार सीधे बहुत भी हो सकता है, डीएमसी जज बन सकते हैं। आई होप यू ऑल आर सो बढ़िया, जिंदगी से चल रही है। Alright, तो कैसे हो? बढ़िया जिंदगी से चल रही है। हाँ, तो आज किसी ने कि आज हमने एक स्टोरी डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, और जिसने फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लेना। तो टॉपिक है MTVSL से रिलेटेड। हम लोग उसमें पूछने वाले लोगों से बहुत बहुत सारी चीजें पूछेंगे जो आप लोग पूछोगे, जो आप लोग मुझसे क्यों नहीं पूछोगे, वो चीज मैं पब्लिक में जाके पूछूंगा। तो देखते हैं कैसे नहीं होता, चलते हैं। आज के पास हाउसकास्ट में साइफर है तो चलते हैं, बट उससे पहले तुम लोग योर अट्रैक्शन हो जिसका नाम है ढीली जींस। मैंने तोड़ दी फिल्म सबकी। एमिया भाई ने बहुत सही काम किया हुआ, ठीक है। सबको पता मेरी आदत का, मैं हसमुख सा नाजुक बंदा, कहने पे उनके जो मैं न चला, मुझे कहने लगे वो लापरवाह। तो तुम लोग जाके सपोर्ट करो भाई को, तुम लोगों को पता है भाई एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है उस बंदे को, और वो आर्टिस्ट और मेहनत करता है आगे के लिए, ठीक है। जाके फुल पावर ट्रैक सुनना, हम चलते हैं सीधा, लेट्स गो। गर्मी ये ट्रैफिक भाई, देखो मैं पहुंच चुका हूँ इतने गर्मी में, इतने लोग आ रखे हैं, बहुत होता है इतना भी। बाकी लेट्स गो, देखता हूँ क्या क्या सीन है। अभी मैं लोगों से कुछ कुछ पूछने वाला हूँ MTVSL से रिलेटेड, जो आप लोगों ने दिया है इंस्टाग्राम पे जाके, जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। अभी मैं लोगों से पूछने वाला हूँ क्या क्या सीन है और जो भी आप लोगों ने पूछा है, ठीक है। लेट्स गो। ऑलराइट, तो मेरे को ये बताओ भाई कि इस बार MTVSL में किसको देखना चाहोगे एज अ जज? जज कौन देखना चाहिए भाई? जज तो मेरे हिसाब से रफ्तार भाई तो होने चाहिए भाई। कब आजी को अपना हनी सिंह अगर 1% आ सके, वैसे तो रफ्तार भाई भी ठीक है। एज अ जज रफ्तार मस्ट बी अ रीजन, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हसल जब हमने देखा था तो 3 जज थे, तो रफ्तार इज वन ऑफ द गुड रैपर, वापस आना चाहिए फॉर माई। वैसे मैं हसल 3 से रिजेक्ट हो रखा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो कुछ पूछने से पहले ना, तुम्हें कोई लोग जो जज ना करे तो कुछ फ्रीस्टाइल सुना दो 30 सेकंड का। कुछ भी? हाँ, निकल चुका हूँ छोड़ के सबको समंदर के लिए, शहर पे डूबाना चाहते हैं अगर किश्ती मेरी तो पार कर लूंगा मैं तैर के, बनते आग पर पीछे से राख कोने में पड़े ढेर से, सीढ़ी पे सीढ़ी में चढ़ता ही जाऊंगा रुकने न वाले अब पैर, सीन में आया करूं ऐसे काज, सीने में आग सीन में ला दूंगा अपना स्वराज, अगर ये लेना चाहते मेरी जान तो मौत को टाडू में बनके यमराज। भाई बहुत सही, बहुत सही। और एक और चीज, बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि डीएमसी जज बन सकते हैं इस बार या बनना चाहिए उसको? मेरे हिसाब से तो मेंटोर बेटर है, मेंटोर बेटर है बहुत भाई। एमवी में बनता है वो भाई, भाई को देखना चाहूंगा। और जो स्मॉल मतलब दो, एक तो बड़े जज होते हैं और जो मेंटोर के टाइप में होते हैं उनमें मैं बैलो को जरूर देखना चाहूंगा भाई। फुल पावर, बहुत सही, सीधे मौत भी हो सकता है यार। ऑलराइट, हाँ ये नया चीज, बहुत सही। बार डीएमसी को जज बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई, सॉरी भाई, सॉरी उदय भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। पहली बार आए हो जी? भाई बहुत सही, पहली बार आए भाई, मेरे व्लॉग देख के आए हैं और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करने के लिए बोल दो सबको, इनको बोलो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो सूरज प्रिंस। यस सब। ऑलराइट, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो रियल हसल करने वाले बंदे कैसे और कैसे जगह से आते हैं, देखो। लेट्स गो। यानी पका दे लड़के, सीन भी बना दे बेटा, सीन का भी लाउड है, यानी नेता मुझसे बोला तेरा कैसा वाला बाउड है, शहर में लाना मुझे हिप हॉप मेरा प्राउड है, बेटा करेंगे स्ट्रीट बॉय कर दे क्राउड, बसते रहो बेटा बस मैंने पैर रखा अर्थक्वेक, मंगलयान हुआ वार, गाने चले मेरे कैट ग्लैमर, पसंद है जॉर्डन पैडू लेकर, जॉन विक एटम की खोज है चैडविक, चलती ना यहाँ पे चीप ट्रिक, बचपन से देखा मेरे भाइयों ने मैक्स स्टील, हड्डियाँ तोड़ूंगा हुआ है इन्हें भी स्लिप दिस, प्लास्टिक का पाइप सॉन्ग हो जाते लोगों के यहाँ पर आज, ये लीक भी पड़ी है धूप पे चीट, मुक्के मुक्के लातों पे लाते, ये चाटों पे चाटे, ये बताती में डके बच्चे मेरे आगे आज, पंछी उनके टूटे फैदर, बड़ा क्राउड रहते बड़े मंजर, बदले ना मंजिल जब बदले मंजर, हालत खराब है ना, हालत खराब है, ठीक हो। MTVSL में कौन जज बनना चाहिए तुम्हारे हिसाब से?
तेरे ये पैसे दिख रहा तेरे ये बंदे कैसे कर रहा तभी ये देख मैं तेरे कैसे लग रहा तभी तेरी बंदी में सालू परियों के करे हैं सारी ये बातें देखो सारे कपड़े से सेली करके सेली मेरे दोस्त साबु प्रसाद साबु रैप लिपिन के लिए मेरे दोस्त साबु पहले खाते साथ और रहते साथ पैसे ले मुझे कहते कोई काम है आज दोस्त साबु प्रसाद साबु रैप लिपिन के लिए मेरे दोस्त साबु पहले खाते साथ और रहते साथ पैसे ले मुझे कहते कोई काम है आज सुनाता हूँ एक दोस्त के गाने कहते रहेंगे साथ ये दोस्त पुराने गाने गाया साथ बनाया साथ अब कहता है तू बंदा खराब खराब मत फोन न मैं हूँ छोटा डोन सॉरी आई से स्मॉल डोन खिलाड़ी मैं हूँ बेशक पर नहीं हूँ अनाड़ी क्योंकि इस लेकिन की गई है मुझे बीमारी ऐसे लेकर मुझे अब तक शब्द ना हो जाए भारी है इन भारी शब्दों को लेकर निकल पड़ा हूँ पत्ते जब मन करता हूँ मुझे सड़क पे हूँ या छत पे पन्नों में बर्तन में सही हो या ना हो कल हाँ किंग किंग को और डीएमसी को जज बनना चाहिए इस बार हो सकता है बन सकता है जज है ऑलरेडी वो है वो तो है चाहते हो नहीं चाहते हो इस बार चांस नहीं लग रहा अच्छा डीएमसी को जज बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए भाई एक्सी को बनना चाहिए अरे वाह बहुत सही क्योंकि भाई उसके जो भी नए जो फ्रीवर्स है ना हाँ उसने दिखाया कि वो बहुत कुछ कर सकती है यस सर अच्छा तो इस बार आपके प्रेडिक्शन पार्टिसिपेट्स कौन कौन हो सकते हैं भाई मेरा भाई जाएगा मार्क ऑलराइट और भाई और मैं नहीं कह सकता मेरे भाई का बताया मुझे अभी तो बिल्कुल भाई फुल पर आपने ट्राई किया चाबी के अगले को चाबी से नचा था फिट करी बोल के मैं वाइप करी छिटका था अगली को नीचे अभी तो चढ़ा था पहले तो इस बार डीएमसी को एज जज बनना चाहिए हाँ डीएमसी को बनना चाहिए या कोई अदर रैपर्स फीमेल रैपर्स मींस इन टर्म्स ऑफ जब जितना मैं देख रहा हूँ तो उसको रहना चाहिए शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ एज अ जजमेंट उसकी भी जजमेंट मेरे को उनकी भी जजमेंट अच्छी लगती है यस सर तो प्रेडिक्शन आर्टिस्ट फ्यूचर आर्टिस्ट जो अभी आने वाले हों क्या पता सीजन फोर में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हो या अपने दोस्त या किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो आप यस ऑफ कोर्स सरपंच मे बी अगर ये भेजे तो यस एपी भाई एपी म्यूजिक सो दे आर प्लेंटी ऑफ आर्टिस्ट बट टू आर्टिस्ट आई कैन टेक द नेम सरपंच एंड एपी यस सर अंडररेटेड सो लेट्स सी हां मैं ट्राई कर रहा हूं यस सर ऑल द बेस्ट फुल पावर गाइस दिस चैनल ओके ही इज डूइंग अ गुड जॉब फॉर हिप हॉप थैंक यू सो मच तो प्रेडिक्शन फ्यूचर आर्टिस्ट को तुम्हें लगता है कि ये आने वाले हैं इस बार एमटी वेसल में लश्करी भाई और वैम्प बहुत सही सैदर सैम ऑलराइट और विशेष मलिक अरे वाह ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बट देखते हैं अब क्या सीन होता है अच्छा तो ये बताओ कि तुमने ट्राई किया नहीं किया अभी तो नहीं करा क्यों अभी मैं अपने आप को एक साल अभी टाइम देना चाहूँगा बहुत सही यार ये जरूरी है टाइम देना जरूरी है और छोटे भी हो अभी तो तुम स्टैंड को दिखाना है और भाई अच्छा और भाई आप भाई कह रहे हैं मुझे लोटा ला के दो घर में चल रही है फैमिली जज आई थिंक रफ्तार भाई हो तो बेस्ट है और भाई डीएमसी होनी चाहिए यस सर लाइक अंडररेटेड मैं देखना चाहूँगा हाइक को अभी हाइक अच्छा कर रहा था उसके बार्स और बर्ड्स भी अच्छे थे तो जाना चाहिए डिजर्विंग बंदा है वो भी अभी अच्छा अच्छा और आपने ट्राई किया हाँ मैं करूँगा अभी आपका हसल सीजन 4 तो थोड़ा सा फ्री स्टाइल फिर आपसे कुछ पूछूंगा मैं ठीक है लेट्स गो हसल 4 में भाई आने वाले अपने भाई लोग कुछ ऑलरेडी इंडस्ट्री के गोट कोई दिक्कत नहीं पावे फ्री स्टाइल चले यहाँ पे रियल और नाम मेरा मौत और बहुत देता लाइन में तो जैसे देता लाइम लाइट सीन कैसा बावे ये तो जैसे अबे लाइन लाइट बोले ऐसे सीन बावे जैसे मेरी लाइन लाइफ बोले बावे सच नहीं अब बोले सिर्फ लाए लाइन हसल 4 लेट्स गो भाई हसल में एज अ जज तो भाई पहला भाई को देखना चाहेंगे अरे भाई बहुत और रफ्तार भाई को भी देखना चाहेंगे अब लोग तुम्हें जज भी नहीं करेंगे अब सीधा आप अपना ओपिनियन दे सकते हो तो इस बार हसल में किसको देखना चाहते हो एज अ जज जज भाई हाँ भाई जो पहले थे वो ही देख लें तो सही है चेंज होंगे तो हो जाए कोई नहीं मेंटोर किसको देखना चाहोगे भाई मैं कैसे बता सकता हूँ तो आपका कोई फेवरेट आर्टिस्ट या आप या कोई
अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो इस बार पार्टिसिपेट एज देखना चाहते हो? अगर मेरे गाने आए होते तो मैं भी आता, पर अभी मार्क आएगा जितना है, और अगर वो आ गया तो शो उसका ही है। यस सर, फुल पावर, थैंक यू सो मच भाई, लेट्स गो भाई, हिप हॉप भाई, हिप हॉप फॉर लाइफ। प्रिंस ब्रो कर थोड़ा लीक, मुझे बताना कौन आ रहा है साथ हसल पे, कौन जीते हसल, किसने काटी कितनी फसल, कितना कर रहा है काम, किसका बन रहा है नाम, कौन जीता यहाँ पे जान, किसके घर पे है शमशान, किसके। नाइस नाइस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही भाई, बहुत सही। आया मैंने इस महीने में क्योंकि खाने को पैसे नहीं थे, मेरे अपने तो थे पर अपने जैसे नहीं थे, दूर वाले अच्छे थे चाहे वो कैसे जीते, अब तो मैं कैसे मैं बताऊं कि वो दिन मेरे कैसे बीते, हम बिना दूध की चाय पीते, हारे थे जमाने से पर खुद से जीते थे, आज जो भी किया मैंने किया खुद के बलबूते पे, आज नकली है कलमियों का नाइकी का साइन मेरे जूते। ऑलराइट भाई, तो लाइक जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा बहुत पहले, 4-5 साल पहले डांस रियलिटी शो में ना लाइक ऐसा होता था कि बहुत सारे भीड़ होकर लाइन पे ऑडिशन लिया करते थे, तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं क्या, तुम लोग चाहते हो ऐसा कमेंट करना कि भाई इस टाइप का ऑडिशन हो, या फिर प्रॉपर अंदर ऑडिशन ले रहे हों लोग उसके बाहर साइफर कर रहे हों, मतलब हैं यार, मतलब पुरानी चीज़ें हैं बट अब पता नहीं जो जो नए 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 लोग हों उनको ये चीज़ समझ में आए ना आए, बट ठीक है भाई, मैंने अपने दिल की बात बता दी। ऑलराइट, तो बाकी आज के लिए इतना ही, और तुम लोग बताओ, तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है पूरा, मुझे गाली दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भाई अच्छा काम कर रहे हो, मेरे और भी जाके ब्लॉग्स देख सकते हो मेरे, तुम्हें तुम लोगों को पता है ऐसे ब्लॉग्स मेरे चैनल में बहुत सारे हैं, तो मैं 1-2 साल लग जाएंगे पूरे देखने में, बट ठीक है, तुम लोग ख्याल रखो और तुम लोग कमेंट करो जैसे भी तुम्हें लगता है, क्या बोला तुम्हें भूल गया।